तो गाइस सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आप सभी लोगों की वजह से आज मोनेटाइज हो चुका है। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे दिनों में वीडियोस आपकी क्यों आए हैं, तो रीजन ये था कि मेरा जो चैनल था वो अभी रिव्यू में चल रहा था 4-5 दिनों से, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा था। तो चलिए हम ही अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं आपको बता दूं, जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। इसका मतलब तो आप लोग समझते हो, जो लोग नहीं समझते मैं बता दूं कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वो ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें आप लोग बिना एक दूसरे को प्यार किए, लव किए, आपस में सब कुछ करते हो, इंटीमेट होते हो। तो आप लोग मेरे चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अगर आप लोग पुराने लोग हो या नए लोग भी हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग डिलन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि हमारी मूवी का मेन एक्टर है। दूसरी तरफ हम लोग एक और मेन कैरेक्टर जेमी को देखते हैं जो कि इस मूवी की मेन एक्ट्रेस है। अब यहाँ पर ये दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गए थे क्योंकि इनकी कॉल आ रही थी इनको बहुत ज़्यादा, बहुत देर से, तो ये लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जब ये लोग जाते हैं तो इन्हें पता पड़ता है कि इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, यानी कि डिलन का अपनी गर्लफ्रेंड से एंड जेमी का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ में पता पड़ता है कि ये दोनों एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिटीज से हैं। यहाँ में पता पड़ता है कि जो डिलन है उसकी भी अब जॉब छूट चुकी है और वो दूसरी सिटी में जा रहा है जहाँ पर जेमी रहती है। जिस सिटी में यहाँ पर डिलन जा रहा है वहाँ पर जो जेमी है वो सिटी में एक एचआर का काम करती है, यानी कि एक जॉब रिक्रूटर का। तो जो डिलन था वो यहाँ पर जेमी की कंपनी में ही जॉब के लिए जा रहा था और जिसको डिलन ने बुलाया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिलन और जेमी आपस में मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिलन था वो जेमी के पास आता है जॉब के लिए क्योंकि जेमी का भी उसे जॉब देने में कुछ कमीशन बन रहा था। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं। यहाँ पर इन लोगों की ये पहली मुलाकात होती है। जेमी डिलन को इंटरव्यू देने में हेल्प करती है और जो डिलन होता है फाइनली उसकी जॉब लग जाती है। अब अगले दिन गाइज हम लोग जेमी और डिलन दोनों को देखते हैं जो कि कैफे में बैठे हुए थे और अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के बारे में बता रहे थे। बात करते करते यहाँ पर जो जेमी होते हैं वो डिलन को अपने घर पे एक पार्टी में इनवाइट करती है। अब ये लोग यहाँ पर बहुत मजे कर रहे थे, जेमी के घर पे पार्टी कर रहे थे बहुत ज्यादा हार्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये लोग मजे कर रहे होते हैं पर इनका ना बीच में मजे करते करते, पार्टी करते करते इंटीमेट होने का माइंड बन जाता है। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकती। जो डिलन होता है वो जेमी को बताता है इस बारे में पर जो जेमी होती है वो मना करती है कि मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो डिलन होता है वो जेमी को बताता है कि हम लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बन सकते हैं, यानी कि हम लोग आपस में इंटीमेट तो होंगे पर कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, यानी कि डायरेक्ट टेनिस मैच। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो इंटीमेसी है वो टेनिस मैच की तरह हो, खेलो और जाओ। पहले तो जैसे ही जेमी इस बात को सुनती है वो जो डिलन होता है उसे एक गाली देती है बहुत बुरी क्योंकि वो नहीं चाहती थी। पहली बात तो उसे पता ही नहीं था कि ये चीज़ क्या है, उसने ये चीज़ पहली बार सुनी थी। अब जैसे जैसे डिलन जेमी को इस बारे में बताता है जेमी भी जैसे जैसे राजी होती है तो ये लोग जीसस क्राइस्ट की बुक के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे और इनकी रिलेशनशिप सिर्फ इंटीमेसी तक ही हो रहेगी। तो गाइस जब हम लोग देखते हैं कि इस सीन के बाद ये लोग इतना ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, इतना ज़्यादा इंटीमेट होते हैं कि जब देखो जब ये इंटीमेट ही होते रहते हैं, डे और नाइट ये एक टाइम को भी नहीं छोड़ते। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग इतना ज़्यादा इंटीमेट होते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि ये लोग इनका जो मन होता है वो एक दूसरे से भर जाता है। यहाँ पर जेमी और डिलन फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे बीच में चीज़ें ऑकवर्ड होने लगी हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, पर ये दोनों फिर से एक दूसरे को नहीं रोक पाते और एक रात को फिर से एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा इंटीमेट करते हैं कि अगले दिन इन पर सुबह उठा भी नहीं जाता। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये लोग एक दिन पार्क में मिलते हैं। यहाँ पर जो जेमी होती है वो डिलन से बातें करते हुए कहती है कि मुझे लग रहा था कि जब हम लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशनशिप में रहेंगे तो हमारे बीच में जो चीज़ें हैं वो ऑकवर्ड नहीं होनी चाहिए थी, पर जो चीज़ें हैं वो अब ऑकवर्ड होने लगी हैं और मैं चाहती हूँ कि अब हमें एक दूसरे को ऐसे रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहिए। तो जो जेमी होती है वो एक दूसरे लड़के को जो कि डॉक्टर होता है उसे डेट करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेमी होती है एक रात उस डॉक्टर के साथ भी इंटीमेट होती है डेट करने के बाद उसे, पर एक दिन हम देखते हैं कि जो डॉक्टर था वो जेमी को धोखा देके भाग रहा होता है उसे छोड़ के, पर जेमी उसे रास्ते में ही पकड़ लेती है। अब जब उसे सच्चाई पता पड़ती है तो जेमी उस डॉक्टर को इतनी गालियां सुनाती है, उसे लात मुंह से मार के वहां से भगा देती है। इस बात को जेमी डिलन के बारे में बताती है, डिलन को बताती है इस बात को, तो डिलन भी जेमी के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें जरूरत ही क्या थी किसी और के साथ डेट करने की जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ऐसा कहने के बाद डिलन जेमी से कहता है कि मैं अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा हूँ और तुम्हें अगर मेरे साथ आना है तो तुम आ सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा और मैं तुम्हें ले चलूंगा। अब जेमी डिलन की बात को मान जाती है और उसके साथ उसके घर पे जाती है और उसके पेरेंट्स से मिलती है। यहाँ पर जो डिलन होता है वो जेमी को उसके मॉम डैड से मिलाता है और अपनी सिस्टर से भी मिलाता है।
यहाँ पर जो डिलन के पेरेंट्स थे वो जेमी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जो डिलन की मॉम थी वो यहाँ पर डिलन की कुछ फोटोज जेमी को दिखा रही थी, जो कि बचपन की फोटोज थी, जिन्हें देखकर जेमी को भी अब डिलन अच्छा लगने लगा था। यहाँ पर हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर डिलन को उसके मन में ठिरक जाग जाती है और वो जेमी के पास जाता है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। और ये लोग उस रात को इंटीमेट करने की कहता है, जो डिलन होता है वो जेमी से कहता है इंटीमेट होने की, पर पहले तो जेमी नहीं मानती, पर फिर उसे भी अच्छा लगने लगता है और वो भी उसके साथ इंटीमेट होती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जो जेमी थी यहाँ पर उसका सीन कुछ और ही चल रहा था। अब यहाँ पर पहले तो इन लोगों ने कसम खाई थी ये लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, पर अब जेमी को जो डिलन है वो अच्छा लगने लगा था। हम लोग अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर डिलन की मॉम उससे बातें कर रही हो, कह रही थी कि क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और क्या तुम फ्यूचर में शादी करने वाले हो। पर डिलन अपनी मॉम को कहता है कि मॉम यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि जो जेमी लड़की है वो दिमाग से थोड़ी सी पागल है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और मैं उससे शादी नहीं कर सकता। इस बात को जो दोस्तों जेमी होती है वो वहीं पर छुपी हुई थी और इन बातों को सुन रही थी, उसे ये सभी बातें बहुत ही गलत लग रही थी। तो वो उसी रात वहाँ से निकलने का प्लान करती है और अपने घर जाने के लिए कहती है। यहाँ पर उसे जो ये बातें सुनी थी वो बहुत ही ज़्यादा गलत लगी थी और वो यहाँ पर जो डिलन और उसके पेरेंट्स थे उन्हें गुड बाय कह के यहाँ से निकल जाती है अपने घर की तरफ। अब कुछ दिन बीतते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी टच नहीं था, ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं थे एक दूसरे के। अब जैसे डिलन जो होता है वो जेमी से बात करने की कोशिश भी करता है, पर जेमी उसके कॉल को काट देती है। अब इन लोगों को एक डेढ़ महीना हो गया था इन दोनों ने आपस में बात नहीं करी थी और ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं थे। ये दोनों अकेले बैठे रहते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। अब यहाँ पर एक दिन हिम्मत करके डिलन जेमी से बातें करने ही वाला था, पर जेमी उसको वहाँ से भगा देती है और कहती है कि मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहती। इस ये बातें सुनकर डिलन भी दोस्तों वहाँ से चला जाता है और ये दोनों फिर से सेपरेट हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं जेमी अपनी मॉम के साथ बैठी होती है और उसकी मॉम उसे कुछ सलाह दे रही थी कि यहाँ पर जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी भी लाइफ में एक ऐसा आदमी आया था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था पर मुझे कभी पता ही नहीं पड़ा था, जिस कारण टाइम के साथ साथ हम दोनों सेपरेट हो गए और अलग हो गए और हम लोगों ने आपस में कभी शादी ही नहीं करी, पर वो मेरा वर्स्ट डिसीजन था। अब हम लोग देखते हैं कि जो डिलन है उसके फादर एयरपोर्ट से लेने जाता है डिलन अपने फादर को, और उसके फादर भी डिलन को एक सीख देते हैं कि और बताते हैं अपनी पास्ट के बारे में कि उन्हें भी उनकी लाइफ में एक औरत थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, खूबसूरत थी और दिल की भी बहुत अच्छी थी। वो उसे बताते हैं कि वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी पर मैं उसके प्यार को कभी समझा नहीं और हमारी भी शादी नहीं हुई। ये बातें सुनकर डिलन को भी कुछ याद आने लगता है और उसे पता पड़ता है कि जो जेमी है वो उसे कितना प्यार करती है। ये बातें सुनकर जो जेमी होती है, जो डिलन होता है वो यहाँ पर जेमी के पास जाता है, उसे बात करने की कोशिश करता है और ये लोग एक एयरपोर्ट पे मिलते हैं। जो डिलन होता है वो जेमी को उस एयरपोर्ट पे बुलाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे ही जेमी उस एयरपोर्ट पे आती है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, जो जेमी होता है वो अपने मॉम से बातें कर रही होती है। एकदम से वो सभी लोग रुक जाते हैं और डांस करने लगते हैं जेमी के आगे। तभी वहाँ पर डिलन आता और हमें पता पड़ता है कि ये सब डिलन का ही प्री प्लान था और वो यहाँ पर जेमी को प्रपोज करने वाला है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है, जैसे डिलन जेमी को प्रपोज कर देता है और ये लोग एक डेट पर चले जाते हैं। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड फिर से आप लोगों का मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाया। फिर मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।